स very, very में भी पढ़ा था बट कुछ मुझे लगता है प्रैक्टिस इनसफिशियंट हुई थी तो आज कॉपी पेन लेके बैठना जैसे जैसे मैं सिखाऊंगी वैसे वैसे आपको इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट जो है वो करने हैं साथ ही आपको एक छे ऑब्जर्वर की तरह टेक्निक समझनी है कि मैम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे घुमा फिरा रही है ठीक है तो फोकस करके सुनने वाला लेक्चर है लेकिन एक वादा मैं आपसे करती हूं आज के लेक्चर में अगर आपने फोकस करके सुन लिया इलेक्ट्रॉन घुमाने की टेक्निक सीख ली तो उसके बाद केमिस्ट्री से आपको डरा कोई नहीं सकता क्योंकि यही चंद चीजें हैं जिसके नाम पे बच्चे केमिस्ट्री को हुआ समझते हैं तो बच्चों अच्छे से पढ़िए सेशन को करें शेयर और मैं बढ़ती हूं आगे जल्दी जल्दी फ्रेंड्स को बुला लें और मैं आगे प्रोसीड करती हूँ Hmm. Okay. So, lecture number eleven, uh, resonance. My name is Monica Bedi. I did my PhD in chemistry. I have fourteen years of teaching experience. I qualified National Eligibility Test for lectureship, and my rank in this test was among top thirty candidates all over India. I am also among the topmost educators in the category Unacademy Academy 11th and 12th. But, sure please ensure that you have joined this particular official Telegram group of An Academy, where you will be getting all the links of various sessions which are happening on this channel of An यू कैन स्कैन दिस क्यू आर कोड टू गेट ऑल द नोट्स क्लास नोट्स लेने के लिए आप इस कोड को स्कैन करें बच्चे इतने कम क्यों आए जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट फटाफट एंड दिस इज अड्यूल फ्रेंड्स को तो वैसे तो आप लाते नहीं हो है न? शेयर वेयर करते नहीं हूँ मतलब एक दूसरे के साथ में स्कूल के अंदर के हाँ मैम पढ़ाती हैं मैं हर बार बोलती रहती हूँ जो नए बच्चे हैं उनको वो नोट कर लो सबके सब पुराने बैठे हैं नए तो कोई आई ही नहीं रहे तो क्लास इलेवेंथ का है चार से पांच ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे और क्लास ट्वेल्थ है नौ से दस मंडे वेंसडे एंड फ्राइडेड एंड uh, ये देखिए कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट बेटा ये बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप टेस्ट है इसका पूल बहुत बड़ा है यू कैन सी एक करोड़ का पूल है अन अकेडमी ने वन करोड़ का स्कॉलरशिप पूल ओपन किया है सिर्फ आप लोगों के लिए ताकि जो चार्जेस ऑलरेडी बहुत नॉमिनल है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के उनको और भी नॉमिनल आप अपनी काबिलियत से बना सकें है ना आप ये देखिए पूरे साल भर की अगर आप फीस देखें अन की तो एक साल की फीस मात्र साढ़े तेरह हजार है सारे सब्जेक्ट्स की दो साल की फीस कोई बाईस हजार है सारे सब्जेक्ट्स की ये वैसे ही इतनी नॉमिनल है फिर भी आपको मौका देता है कि आप अपनी काबिलियत से स्कॉलरशिप जीतो और इसको और नीचे लेके आओ है ना ताकि हम पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ाई के मामले में प्रेशर ना डाले और पूरा इंडिया पढ़े और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में पढ़े तो कॉम्बैट आपको देना है कोड आपको कौन सा यूज करना है एम डी लाइव कोड यूज करना है ठीक है मास्टर ब्लास्टर इसको कहीं डायरी में लिख लो इससे सारी स्पेशल क्लासेस अनलॉक हो जाती है सब्सक्रिप्शन लेने पर डिस्काउंट मिलता है आप कॉम्बैट में इसके थ्रू एनरोल कर सकते हैं जो कि फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स आपको बता देती हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है सारे कोर्सेज़ की ये नहीं है आपको एक बैच अलॉट हो गया अब आप, आप किसी और बैच में ताक भी नहीं सकते हमारी ताका की आदत बहुत होती है हम तो उससे पढ़ रहे हैं लेकिन वो कैसा पढ़ा रहे हैं ये एक चीज़ होती है फ्रेंड्स वगैरह सब चीज़ फ्रेंड्स वगैरह बताते रहते हैं तो आप वंस यू गेट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन तो आपको कहीं पे भी किसी भी क्लासरूम में आप जा सकते हैं किसी से भी पढ़ सकते हैं आपके टीचर से आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही तो किसी दूसरे बैच को एनरोल कर सकते हैं इसके अलावा आपको रेगुलरली नोट्स स्टडी मटेरियल पीडीएफ मिलता रहता है इसके अलावा एक ऐसी चीज जो कहीं पे भी नहीं होती और यहां होती है यह है हर तीन से चार क्लासेस के बाद तीन से चार क्लासेस के बाद वन डाउट क्लास ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है और सबसे ज्यादा खूबसूरत फीचर है इसके थ्रू मैं बच्चों को बहुत ज्यादा ट्रेन करती हूँ क्योंकि मैं तीन चार क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ एमसीक्यूज करवाती हूँ लाइक like, हम लोग का हर सेशन एमसीक्यूज वाला होता है क्योंकि आपका एमसीक्यूज बेस्ड ही एग्जाम होने वाला है लेकिन इस सेशन के लिए मैं ढेर सारा बच्चों को होमवर्क देती हूँ क्योंकि खुद से डाउट आते ही नहीं डाउट तो हमें आते ही नहीं मैम हम तो वैसे ही बहुत अच्छे पढ़ते हैं हमें कोई डाउट आता नहीं है तो डाउट आए उसके लिए पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ने के लिए मैं खूब सारा होमवर्क दे देती हूँ होमवर्क में से बच्चे डाउट मार्क करके ले आते हैं और मैं होमवर्क डिस्कस करती हूँ उसके अलावा भी अगर कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट है तो इतनी रेगुलरली डाउट क्लासेस होती है कि बच्चों को कोई डाउट नहीं रहता है ठीक है एंड सिलेबस uh, पूरा अच्छे से कवर होता है आपके टाइम टाइम पे टेस्ट होते रहते हैं व्हाट एल्स अ स्टूडेंट नीड एक बच्चे को क्या जरूरत है अच्छे पढ़ाने वाले की फोकस करके पढ़ाने वाले की आपके खुद की अटेंशन की मतलब स्टूडेंट ऑफ कोर्स खुद अटेंशन पे करे देन उसके बाद नोट्स की अच्छे लेवल का स्टडी मटेरियल जो कि एक्सपीरियंस ग्रुप ऑफ फैकल्टीज बनाती है। हैं हैंड रिटन भी बनाती हैं शॉर्ट नोट्स भी बनाती है टेस्ट होते रहे टाइम टाइम पर डाउट क्लासेज होती रहे और क्या चाहिए सब कुछ है और कहीं ज्यादा है उन इंस्टीट्यूट से जो कि एक एक सब्जेक्ट के पच्चीस पच्चीस हजार चार्ज कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा फीचर्स हमारे अनकाडमी सब्सक्रिप्शन पर अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं मूविंग अहेड दीज आर द अपकमिंग बैचेस जो आने वाले हैं और ये हमारा ऑनगोइंग बैच चल रहा है जो कि पूरे साल चलेगा साइंस का मास्टर बैच फॉर फाइनल एग्जाम्स अक्टूबर से ही मैंने नया बैच स्टार्ट किया मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस होती हैं एमबी लाइव प्रोड्यूस करके आप मेरी क्लासरूम का हिस्सा बन सकते हो जहां हम मैं और मेरी आर्मी मिलकर के ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेवेंथ क्लास में जो एक मिथ होती है ना कि नंबर नहीं आते यार टेंथ में कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो इलेवेंथ में तो नंबर नहीं आते हम इस मिथ को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं तो आप भी इस कोशिश का हिस्सा बन सकते हैं जेई नीट के लिए अगर आप सिंसियर है तैयारी करना चाहते हैं तो जेई नीट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप 18 महीने का सपोज लेट से आप लेते हैं तो 42,000 का आपको पड़ेगा एमबी लाइव यूज करके प्लस दशहरा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको चार महीने का फ्री मिलेगा तो एक्चुअली आप अठारह महीने का लोगे लेकिन मिलेगा आपको बाईस महीने का यह दशहरा ऑफर चल रहा है ठीक है अब बाईस महीने के चार्जेस है फोर्टी तो बाईस का डबल भी करें तो फोर्टी होता है यानी आपकी अठारह रुपए महीना फीस में आप जिन टीचर्स से पढ़ रहे हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोटा कोचिंग इंडस्ट्री के ऐसे टीचर्स हैं जिनसे पढ़वाने के लिए माँ बाप के लाखों रुपए खर्च हो जाते थे अन अकाडमी ने उन्हीं को एसोसिएट किया रैंक प्रोड्यूसिंग मेंटर्स को एसोसिएट है आप 1800 सौ रुपए महीने में उनसे मेंटरशिप ले सकते हो गाइडेंस ले सकते हो और अपनी इस खूबसूरत जर्नी को जिसको हम बोलेंगे करियर की जर्नी आगे बढ़ा सकते हो आइकॉनिक में आपको स्टडी मटेरियल घर पे पहुंचेगा इधर भी मिलेगा स्टडी मटेरियल इधर आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल घर पहुंचेगा आइकॉनिक अगर आप लेते हो तो थोड़ा सा हायर साइड है लाइक अट्ठारह महीने वाला सेवेंटी का है एंड इसमें आपको स्टडी मटीरियल घर मिलेगा आपको पर्सनल कोच मिलेगा और उसके साथ साथ आपको डाउट सॉल्विंग में प्रायोरिटी मिलेगी इधर नॉर्मल वाला से आप बोर्ड्स की पे फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट कर अच्छी करना चाहते हैं ठीक है तो आप सपोज ये वाला लेते तो है, हैं so, तो ये आपका अठारह हजार का पड़ेगा ठीक है जो जिसमें आपकी ट्वेल्थ क्लॉक हो जाएगी पॉइंट टू बी नोटेड अठारह महीने के साथ दशहरा ऑफर चल रहा है चार महीने का फ्री मिल रहा है तो ट्वेंटी टू मंथस का एटीन थाउजेंड में यानी आठ सौ रुपए महीने में ऑल सब्जेक्ट डन और बहुत एक्सपीरियंस ग्रुप ऑफ फैकल्टीज है जिन्होंने सालों बच्चों को पढ़ाया है और जिनके हजारों बच्चे सौ में से सौ नंबर क्रैक किए हैं तो ऐसे टीचर्स से आपको विद स्टडी मटीरियल लाइव क्लासेस डाउट क्लासेस एवरी थिंग वो सब आपको पढ़ना है इट इज सो वेरी नॉमिनल यू कैन यूज दिस कोईकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा कोच मिल जाता है पर्सनल कोच एंड इसके अलावा आपको आपके डाउट्स में आपको प्रायोरिटी मिलती है यू ऑफर्स्ट जनर को आप देख सकते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास आ, शेयर नहीं किया अभी तक हेलो एम बी मैम की चिपकली हेलो रेखा हाय आनंद देखो इतने सारे लाइक्स आ गए शुरू से ही तो टर्म टू कब से स्टार्ट करोगे मैम एक तो सुनो सारे बच्चे विजय फ्रॉम यस्टरडेज इवनिंग ट्वेल्थ क्लास मेंबर ऐसे तो याद नहीं आ रहा है बट ठीक है वेलकम बेटा हाई विदिशा हेलो मेघा आ, ये चैप्टर बस अब खत्म हो गया मेनली तो सब कुछ खत्म हो गया बेटा हाइपर कॉन्जुकेशन बचा है इसमें और कुछ भी नहीं बचा और हाइपर हमारा नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा तो इसी वीक ये चैप्टर खत्म हो रहा चोटे -चोटे है छोटे छोटे मतलब लगभग मैं अगर तुम्हें बोलूं तो दो क्लासेस बच रही है इसकी दो या ला, लास्ट टू लास्ट थ्री तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर बताऊ इधर तो मैं लाइक के नहीं रखा है तुम लोग के लिए मैं रिविजन नोट्स बना रही हूँ खुद ही बना रही हूँ एंड मैं प्लान ये कर रही हूँ क्योंकि अब काफी चैप्टर्स हमने कर लिया तो हमको रिविजन भी करना है तो मैंने चैप्टर वन के बना लिए हैं सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर फोर के बना लिए हैं पीरियॉडिक प्रॉपर्टीज के रिडॉक्स के मैंने बना लिए हैं तीन चैप्टर्स के मैंने रिविजन नोट्स बना लिए हैं सेशंस कैसे लेंगे वो बता देती हूँ फिलहाल जो फर्स्ट सेशन आने वाला है रिविजन नोट्स पे वो वेंसडे से स्टार्ट हो जाएगा वेंसडे को आई बी टेकिंग टू चैप्टर्स जो कि एक चैप्टर एक छोटी क्लास में होगा वन आवर में मैं पूरा चैप्टर रिव्यू कराऊंगी अपने ही नोट्स में से साथ साथ में आपके एमसीक्यूज टाइप की पोल्स होंगी अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे ये क्लास बिल्कुल फ्री होगी इसको आप एमबी लाइव कोड से ओपन कर सकेंगे और इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ अन अकेडमी का लर्निंग आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रख लें क्योंकि ये मैं आपसे वादा कर रही हूं वादा मैं हमेशा निभाती हूं तो ये नोट्स मेरे इन प्रोग्रेस हैं तो अभी आपका एक और एक और प्रॉपर्टीज का वन शॉट तय है है इस ठीक जैसे जैसे नोट्स बनते जाएंगे मैं अपने ही नोट्स में से आपकी एक एक घंटे की कंप्लीट चैप्टर रिव्यू करवाऊंगी तो जितने हो सके फ्रेंड्स इकट्ठा हो जाए है ना एंड एक बारी हैप्पी वाला फेज दिखा दें ठीक है हा पीयूष गोयल नोट्स वोट सब प्रोग्रेस में है बेटा सारा दिन तुम्हें पढ़ाना और रात में तुम्हारे लिए नोट्स बनाना और मुझे उसके बदले में क्या चाहिए तुम लोग का रिजल्ट चाहिए रिजल्ट लेके आओ और बस और कुछ नहीं चाहिए है ना तो चलो आगे बढ़ते हैं रेजोनेंस एंड मिज्यूमर इफेक्ट बहुत टेक्निकल सा सेशन है आज का टेक्निकल सा सेशन बोल रही हूँ ध्यान से फोकस करके सुनना कॉपी पेन लेके बैठना नेटफ्लिक्स की तरह चिल मत करना चद्दर चुद्दर ओड के सामने टीवी चल रहा है ऐसे मत करना प्लीज हाँ तो रेजोनेंस इन मिज्यूमरिक इफेक्ट क्या होता है रेजोनेंस या मिजूमरिक इफेक्ट तब होता है जब कोई एक स्ट्रक्चर लेट से देखो बेंजीन के एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करती हूं परसों वैसे पढ़ा दिया था फिर भी हल्का सा ये तुम्हें बताते हुए ही आगे बढ़ूंगी ये देखो ये बेंजीन है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल तो बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता है कारण यह है कि अगर आप इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें, तो आप कहेंगे कि इसमें तीन तो डबल बॉन्ड्स हैं, और तीन इसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है तो इस हिसाब से इसमें दो तरीके की बॉन्डलेंथस होनी चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है बेंजीन के सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट होते हैं सेम होते हैं तो हम बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें हम डबल बॉन्ड्स की पोजीशन को बदल देते हैं और इसी फिनोमिना को हम रेजोनेंस बोलते हैं विच मींस कि अगर कोई मॉलिक्यूल को आप दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स असाइन करें जिसमें से कोई भी स्ट्रक्चर कंप्लीट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने में नाकाबिल हो तो ऐसे फिनोमिना को हम रेजोनेंस बोलते हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड्स, आई मीन कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? लकी पढ़ाई में ध्यान दो, ये अब हम रेजोनेंस करना सीखेंगे, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दू हमने परसों किस चीज पे अपना टॉपिक एंड किया सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल लोन पेयर डबल सिंगल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल को भी आप इग्नोर कर दो ठीक है मेरा मन तो करता है प्लस की क्लास में ना हम लोग के पास अनम्यूट करके बच्चों से बात करने का ऑप्शन रहता है तो कई बार मेरे को वो चीज यहां याद आ जाती है और मेरा मन करता है कि मैं बोलू कि हाँ भाई खुशबू हमीद अनम्यूट करो और बताओ मैम ने क्या बोला ठीक तो है तो हेरी वे आप चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या क्या शर्तें हैं रेजोनेंस की डबल सिंगल डबल दो डबल बॉन्ड्स को एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट कर दिया जाए एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर को एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट कर दिया जाए एक डबल बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज को एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट कर दिया जाए एक डबल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज को एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट कर दिया जाए मतलब डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल लोन पेयर डबल सिंगल फ्री रेडिकल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड का बीच में होना बहुत जरूरी है और ओनली एक होना मतलब अगर कंडीशन ये है डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव अब ना हो पाएगा रेजोनेंस तो ये गलत हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके चीजों को ध्यान में रखते हुए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आज बनाना सीखेंगे सबसे पहले मैं सिखाऊंगी तुमको इसका ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं जरा मैंने क्या बना रखा है CH2 डबल बॉन सी एच सी पर माइनस का चार्ज है एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो प्रिवेल करता है कि मैम नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन बेटा नेगेटिव चार्ज का मतलब है लिख लेना कहीं पे दो इलेक्ट्रॉन लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही होता है ये ये स्ट्रक्चर तब बनता है जब कोई एटम इसको छोड़ के गया हो और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे गया हो तो इस नेगेटिव चार्ज में तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ठीक है नेगेटिव चार्ज में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन उस स्पीशी का है जो इसको दे करके निकल लिया है ठीक है तो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट उस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का होता है और एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले का होता है जो इसको छोड़ करके चल दिया है ठीक है माइक इश्यू हो रहा है यस yes, बेटा यशवर्धन पवार थैंक यू सो मच बेटा अभी आवाज ठीक आ रही है वेरी गुड वेदिका डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल लोन पेयर डबल सिंगल फ्री रेडिकल डबल सिंगल डबल कितनी अच्छी पॉइंट बन गई देखो ठीक है ठीक है ओके okay. एक बार मुझे कंफर्म कर दो आवाज ठीक आ रही है क्या ऑल राइट right. सीखो जरा क्या करना है याद रखना कि जब भी कोई एटम पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक्स्ट्रा टाइप का दिख रहा है हमको और उसके अल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पिक से गिर जाएगा ठीक है जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सिंगल बॉन्ड पे गिर जाएगा ये तुम्हें याद रखना है तो तुम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर गिरा दो ठीक है जैसे ही तुम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर गिराओगे तो ये कार्बन पांच बॉन्ड नहीं संभाल पाएगा पांच बॉन्ड बने कैसे इसके दो तो ऑलरेडी बना रखे थे

तो उधर धक्का मार दिया उधर से कुछ आया तो इधर धक्का मार दिया मतलब मैंने एट टाइम चार ही बॉन्ड्स बनाने हैं ये कार्बन की खासियत होती है तो देखो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो ये इसने इसको यहां धक्का मारा ठीक है तो सीएच टू पे कौन से चार्ज आ गया सी एच टू पे चार्ज आ गया नेगेटिव और यहां बीच में आ गया सीएच और इधर बन गया डबल बॉन्ड कितना सिंपल है देखो समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है एक बार थम्सअप कर दे कि यस मैम समझ में आ रहा है और इन्हीं दोनों को हम क्या बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का खुद का था और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया है तो नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक तो खुद का होता है एक किसी और का होता है ठीक है तो एक तो देखो ये येलो वाला खुद का है और दूसरा इस कार्बन का शेयर भी इसी को मिल गया तो इधर नेगेटिव आ गया अब ये दोनों क्या कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है थीके? जिसको हम कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं जिनमें से एक भी फॉर्म मॉलिक्यूल की कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा पाने में नाकाबिल है नाकाबिल है तो फिर हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाएं जो कि इन दोनों को कॉमनली एक्सप्रेस करे उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड तो रेजोनेंस हाइब्रिड देखो कैसे बनता है सी एच टू जो चीज पक्की है दो, मतलब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बन रही है उसको तो मैंने बना दी अब कभी यहां डबल बॉन्ड कभी वहां डबल बॉन्ड देखो इसमें इसमें यहां double bond, इस यहां डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड बीच वाला कार्बन के लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा पहले वो लेफ्ट साइड में डबल बॉन्ड और राइट right साइड में सिंगल बॉन्ड बना रहा था अब वो राइट right साइड में डबल बॉन्ड और लेफ्ट साइड में सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो बीच वाला कार्बन के लिए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में परिस्थिति सेम है तो ये बीच वाला कार्बन हमने बना दिया डॉट 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 का क्या मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल रहा है और क्योंकि दोनों ही टर्मिनल कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इधर भी लिख दो पार्शियल नेगेटिव इधर भी लिख दो पार्शियल नेगेटिव समझ में आ गया बच्चों ठीक है सिमरन पीछे कर लो बेटा मैं रिपीट करने लग जाऊंगी सिमरन पीछे कर लो ऑनलाइन क्लास का बहुत फायदा होता है मैम रिपीट मैम रिपीट करने लग जाए एक नहीं पचास बार रिपीट करूंगी मैं जो हुक्म मेरे आका बोल के चलो नेक्स्ट नेक्स्ट वाला इसको बनाओ जरा पॉजिटिव चार्ज क्या करता है पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की गरीबी को गरीबी का प्रदर्शन करता है कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ये कार्बन कह रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और तुम्हें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रति एक अट्रैक्शन का रिश्ता होगा पॉजिटिव चार्ज क्या करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है नेगेटिव क्या, तो क्या करता है अगर कोई नेगेटिव चार्ज किसी को हम करेंगे और अगला क्या बनेगा? से शो करते हैं ये देखो ये वाला CH2 अभी पता है दोनों इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट आ गए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन देखो इधर शिफ्ट हो गए हैं ये देखो ठीक है तो सी एच टू का प्लस चार्ज तो गया सी एच टू कह रहा था मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा लिया अपनी तरफ तो ये तो न्यूट्रल हो गया देखो न्यूट्रल हो गया लेकिन बेचारे इस कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन गया ना इसकी परिस्थिति खराब हो गई इसमें दो इलेक्ट्रॉन में एक तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया ठीक है अब ये दोनों क्या कहलाएंगे इनको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलो इनको आप कैनोनिकल फॉर्म्स बोलो या इनको डिफाइन करने के लिए ऐसा भी बोल सकते हो कि ये दोनों वो स्ट्रक्चर्स हैं जो मोलिक्यूल की कंप्लीट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में नाकाबिल हैं तो हम कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना देती हूँ सी एच टू और सीखो इसको रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाना ठीक है रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाना इस केस में सीखना बेंजीन वाले केस में तो इतना आते नहीं है बट इसमें बहुत आते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड अब देखो कभी डबल बॉन्ड इधर कभी इधर तो कभी इधर कभी इधर ठीक है कभी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इधर कभी इधर तो कभी इधर इधर तो पार्शियल 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 पॉजिटिव 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 क्यों लगा दिया क्योंकि कंप्लीट नहीं है कार्बन कभी न्यूट्रल हो रहा है कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी न्यूट्रल हो रहा है कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी न्यूट्रल हो रहा है कभी पॉजिटिव हो रहा है तो इधर भी पॉजिटिव लगा दिया इधर भी लगा दिया बट पार्शियल आई होप यू गॉट इट चलो अब अगला करेंगे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने लाई हूं आज मैं Acetylene. Acetylene ऐसे बनता है देखो CH3. अपने, अपने कॉपीज में बनाएंगे और फिर चेक करेंगे जो मैं बना रही हूँ इसको एस बोलते हैं चलो बनाइए मैं तुम्हें देती हूँ थर्टी सेकेंड इसका रेजोनेटिंग फॉर्म बनाने के लिए देखते है कि हैं कितने बच्चों ने सही बनाया बेटा अरविंद धवन मैंने हाइड्रोजन चैप्टर करवा दिया स्पेशल क्लास में आया तुम ना अरविंद अन uh, अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो उसमें फ्री रिकॉर्डेड सेशन पड़ा हाइड्रोजन का मैंने अभी करवाया इससे जस्ट पहले बन गया सलोनी का बन गया हाय रोताश बेटू रोताश तो आई यूपीएसई नोमेंटलेचर में पीएचडी करने वाला है वक्का। पक्का 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 डन मनीष मल्होत्रा का ओके okay। हाँ चैप्टर फोर में भी है धर्मेंद्र सही पकड़े हैं बन गया अश्मित दीक्षित का भी बन गया है ओके छिपकली का भी बन गया है चलो फिर मैं भी बना देती हूँ हमें कैसे पता लगा इसके अंदर इसके अंदर अंदर रेजोनेंस रेजोनेंस है है हाउ डिड वी कम टू नो कि हमें ऐसे पता लगा डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल नेगेटिव तुम्हें मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज ऐसे धड़ाम से गिर जाता है किसी एटम पे पड़ा हुआ नेगेटिव चार्ज हो और पड़ोस में ऐसे खाली सड़क हो सड़क मतलब सिंगल बॉन्ड तो बड़ा से गिर जाता है ध्यान रखना इस बात का तो इधर गिरा दो कार्बन से पांच बॉन्ड तो संभलेंगे नहीं इसका एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के दिखाती हूं, दिखा हूं। बॉन्ड था ही। अब बताओ कार्बन है? है और क्योंकि नहीं कर सकता है तो हाथों हाथ कार्बन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस पे फेंकेगा तो जब फेंकेगा तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे सी एच थ्री सी ओ एंड डबल बॉन्डो ठीक है डबल बॉन्डो अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा चलो बनाओ सारे बच्चे रेजोनेंस हाइब्रिड। वेलकम राहुल मैं मैंने सारे लेक्चर देख लिया ले टाइम लाइव आ गया हूं अब लाइव ही आना राहुल ठीक है रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड हम अभी नहीं बना रहे हैं. अब हम अब क्या क्या चीज ऑसिलेट कर रही है देखो कभी इधर डबल बॉन्ड आ रहा है कभी इधर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम उसको डॉटेड डॉटेड लाइन से शो करेंगे इधर कभी इधर कभी कभी ठीक है और ऊपर वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है कभी नीचे वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है तो पार्शियल नेगेटिव पार्षिल नेगेटिव पार्शियल आ गया रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना थैंक यू सौम्या यू आर माय फेवरेट टीचर मैम आपने मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ा दिया लव यू मैम लव यू सौम्या क्लियर हो गया चलू आगे चले आगे बोलते हो मैम चलिए आगे हो गया तो नेक्स्ट बनाओ एनुलनाओ जरा सी सिक्स एच फाइव एन एच टू देखते हैं आप कितने स्मार्ट हो गए हैं मेरे बच्चे एन एच टू ये रहा चलो करो ट्राई ओके बेटा गौरी गर्ग लेकिन अभी ठीक हो गया ना आपकी क्लास लेने के बाद जब स्कूल टीचर की क्लास लेते हैं तो हमें लगता है मैम से पढ़ना चाहिए था नाजिश खान नाजिश तुम्हारा नाम कितना प्यारा है रेजोनेट मनीष मल्होत्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे बनते हैं हाइब्रिड बेटा एक बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे बनते हैं बनाइए चलिए बना लिए होंगे अब तक आपने अब इसमें कौन सी कंडीशन हमें दिखाई दे रही है जस्ट हैव अ लुक डबल सिंगल लोन पेयर डबल सिंगल लोन पेयर ध्यान से देखो तुम्हें याद हो तो रेजोनेंस की पोयम में आता था डबल सिंगल डबल डबल सिंगल लोन पेयर डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल फ्री रेडिकल यही तो पोएम है रेजोनेस की तो इसमें से कौन सी कंडीशन हमारे काम की है डबल सिंगल लोन पेयर ये कंडीशन इस मॉलिक्यूल में दिखाई दे रही है डबल ये देखो जरा ध्यान से फोकस करके डबल डबल इसको मैंने हाईलाइट कर दिया डबल सिंगल और लोन पेयर मैंने क्या बोला नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर होगा और खाली सड़क होगी तो वो धड़ाम से गिर जाएगा तो गिरा दो फिर ये लोन पेयर को इसके ऊपर गिरा दो जैसे ही गिराओगे तो ये वाला कार्बन जिसको अब मैं डॉट कर रही हूं मतलब है ना ये पांच बॉन्ड तो संभाल नहीं पाएगा तो कार्बन का नेचर पता है ना जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिरती है इस सड़क पे तो वो इस सड़क को खाली करवा देता है और इधर से गिरती है तो इस सड़क को खाली करवा देता है ठीक है एट अ टाइम इस कार्बन को एक ना एक बॉन्ड सिंगल चाहिए होता है तो ये इसने इधर धक्का मार दिया इस कार्बन पे धक्का मार दिया तो देखो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान से देखना पहले मैंने बेंजीन रिंग बना ली, बना ली हेक्सागन लिया ठीक है अभी मैं सिर्फ इस पोर्शन में हाईलाइट कौन से कलर से चमकेगा इसमें व्हाइट से चमकेगा ना हाईलाइट अभी मैं सिर्फ इस पोर्शन पे आपको आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी यानी हाईलाइट दिखता क्यों नहीं है अपनी क्लास में ग्रीन से करके देखें Highlight दिखता ही नहीं है अपनी क्लास में रेड भी नहीं दिखता रेड दिख रहा है इस पोर्शन में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं सिर्फ इसके अंदर ठीक है थोड़ा बहुत कुछ तो दिख रहा होगा है ना देखो अब हम करेंगे क्या अब हम ये करेंगे कि क्योंकि ये लोन पेयर फोकस करेगा बच्चा पार्टी क्योंकि ये लोन पेयर कहां गिर गया है क्योंकि पेन कहारा क्योंकि ये लोन पेयर इधर गिर चुका है सिंगल बॉन्ड पे तो ये बॉन्ड कैसा हो गया डबल एक तो पहले ही था बॉन्ड और एक दो इलेक्ट्रॉन के गिरने से एक बॉन्ड और बन गया ठीक है NH2 आ गया और क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा ठीक है और इधर देखो यहां पे देखो कौन सा चार्ज आएगा ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दो इलेक्ट्रॉन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसपे शिफ्ट हो रही है इस पे शिफ्ट हो रही है तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव बाकी मैं एज इट इज टिप दूंगी जैसा था बाकी में तो कोई चेंजेस ही नहीं है तो बाकी टीज 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 मैं एज इट इज टिप दूंगी मैम आप प्लीज नीट के पीवाई क्यू कराया करो मैम आप बेस्ट हो केमिस्ट्री के लिए मुझे लगता है मुझे आप से समझ में आता बेटा नीट के पीवाई स्पेशल क्लासेस में मैं सिर्फ नीट और जेई मीन के पीवाई क्यूज लेती Uh, सिर्फ नीट और जेई मेंस के लिए शॉर्ट नोट्स बना रही हूं redox, ठीक है? तीन के बन चुके हैं शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे तुम्हारे सेशंस होते जाएंगे क्यों बना रही हूँ शॉर्ट नोट्स क्योंकि अब मेरा रिवीजन की तरफ ध्यान है कि बच्चों को हम कोर्स तो आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा रिवीजन भी कराया जाए तो रिवीजन फिलहाल मैंने शेड्यूल किया वेंसडे के दिन वेंसडे को

ये मेरे उन बच्चों के लिए है जिनको मेरी जरूरत है ठीक है तो ये वाली क्लास आप सबको अटेंड करनी है और इसको फैलाना भी है जितना हो सके वेंसडे को लेने वाली हूं दो चैप्टर्स का वन शॉट पहले एक चैप्टर का वन शॉट फिर अगले चैप्टर का वन शॉट पढ़ाऊंगी कहां से खुद नोट्स बना के लाऊंगी उसी में से पढ़ाऊंगी ठीक है और उसको फिर आप डाउनलोड कर लेना प्रिंट आउट निकलवा लेना तो आपके पास नोट्स भी आ जाएंगे और आपकी एक घंटे में पूरा रिवीजन प्लस पोल्स भी हो जाएंगे ठीक है हाउ इज द आइडिया ये बताना मुझे चैट बॉक्स में तो अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव इधर आ गया तो अब हमारी कौन सी कंडीशन आ गई डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल नेगेटिव तो देखो नेगेटिव इधर गिरा नेगेटिव इधर गिरा तो आगे ये देखो तूफान आगे सरकता जाएगा बस आगे आगे सरकाते जाओ ठीक है तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सबसे पहले हमने हेक्सागन बना लिया हमने हेक्सागन बना लिया ठीक है अब नेगेटिव इस बॉन्ड पे गिरा है तो ये बॉन्ड तो डबल हो गया है ठीक है ध्यान से देखो नेगेटिव इस बॉन्ड पे गिरा है तो ये बॉन्ड तो डबल हो गया है और ये दोनों जो पाए इलेक्ट्रॉन थे ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया बाकी मॉलिक्यूल में मैं कोई चेंज नहीं कर रही मैं सिर्फ टीप रही हूं बाकी को कोई चेंजेस नहीं करने सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में चेंज होता है जैसे इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे चेंज था इधर इधर चेंज था बाकी मैंने एज इट इज टीपा है इसके बाद अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हाँ बेटा यूट्यूब पे फुल सिलेबस करवा रही हो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो फिर मैंने एक एक्सगन एक बनाया ये तूफान बस आगे बढ़ाते जाओ नेगेटिव चार्ज जहां जहां दिखेगा खाली सड़क होगी गिर जाएगा और ये आगे सरकता जाएगा ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई छुपन छुपाई का या चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है मैं तुझे पकड़ू तू भाग मैं तुझे पकड़ू तू भाग तो तुम देखो शुरू से क्या हो रहा है लोन पेयर इधर आया तो ये इधर भग गया फिर ये इधर गिरा तो अगला चार्ज उधर भग गया फिर ये इधर गिरा तो अगला चार्ज उधर भग गया अब देखो नेक्स्ट क्या होने वाला है सिर्फ इस पोर्शन में चेंजेस करेंगे सिर्फ इस पोर्शन में सिर्फ इस पोर्शन में चेंजेस करेंगे देखो क्या चेंजेस है नेगेटिव यहां गिरा तो डबल बॉन्ड आ गया ठीक है और ये डर के मारे उधर भग गया आगे जितना जितना नेगेटिव चार्ज पीछा करेगा उतना उतना डबल बॉन्ड आगे भागेगा तो ये डबल बॉन्ड ये नेगेटिव के फॉर्म में शिफ्ट हो गया बाकी का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे एज इट इज टीप दो एन टू प्लस ठीक है ये आ गया अपना एच टू प्लस और इधर एज इट इज अब क्या होगा फिर नेगेटिव गिरेगा फिर आगे भागेगा ये तो गेम की तरह लग रहा है इट विल हैव फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यस एब्सोल्युटली करेक्ट तो ये ये देखो आ गया और नेगेटिव इधर गिरा तो ये डबल बॉन्ड अब ये भाग गया आगे तो वापस कैसा हो गया एनएच टू हो गया और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज इस पे लोन पेयर वापस आ गए और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज ठीक है तो इट हैज टोटल ऑफ फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बट बट उट द स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर लेटमी टॉक अबाउट नीट थिंग क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और उनको ये फंडा पता होना चाहिए सोनाक्षी लोन पेयर एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होता है वेला बैठा होता है फोकट बैठा होता है तो जब देखता है खाली सड़क है गोबर की तरह पटाख से उस उसमें गिर जाता है अभी के लिए इतना बहुत है है ना बेटू तो यहाँ कुछ नीट के बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं नीट से रिलेटेड एक डिस्कशन लेना चाहूंगी और नॉर्मली इलेवेंथ ट्वेल्थ में भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन होता है मैंने परसों तरसों भी डिस्कस किया था प्लस और माइनस दूर होते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थोड़े से अनस्टेबल होते हैं जहां आप ऑपोजिट चार्जेस को क्या करते हो सेपरेट अब यार ये बात किताबी भाषा में तो समझ नहीं आती बट एम बी मैम के स्टाइल में कैसे समझ में आएगी देखो ऑपोजिट चार्जेस में बड़ा मोहब्बत होता है अट्रैक्शन होता है प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है हीरो हीरोइन जैसा ठीक है अब ऐसी पिक्चर देखना किसको पसंद है जिसमें एंड तक हीरोइन हीरो मिल ही नहीं पा रहे हैं बस दूर 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 मजा नहीं आ रहा है हीरोइन भी दुखी है पिक्चर देखने वाला भी दुखी है ठीक है तो आप दो प्रेम करने वालों को हमेशा ही दूर रखोगे तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थोड़े से अनस्टेबल हो जाएंगे इन द इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री वी से दैट व्हेन यू सेपरेट ऑपोजिट चार्जेस देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकम्स स्लाइटली अनस्टेबल तो मेरे इस एग्जाम्पल से आप ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस में सेपरेशन होता है ही रांझा अलग अलग होते हैं वो उसमें स्टेबिलिटी कम होती है ऐसा नहीं नहीं होती कम होती है तो पहला फंडा तो ये है कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी होती है इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बट अगर तुम और डिटेल में घुस जाओ जेई मीन में नीट में तो तुम से, चार्ज सेपरेशन वाले स्ट्रक्चर्स को कंपैरेटिवली कम स्टेबल बता सकते हो ये बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे इस टेक्निक से हिट हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट करेंगे फिनॉक्साइड नहीं फिनॉल तो पहले करें हम फिनॉल नहीं हुआ हमारा फिनॉल नहीं हुआ तो मैं पहले इधर फिनॉल का बना रही हूं फिर फिनॉक्साइड का बनाऊंगी और इसमें तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा देखना ये फिनॉल है ओ एच पहले मैं फिनॉल का बनवाऊंगी चलो अपने अपने कॉपीज में बनाओ सोनाक्षी so, यहाँ दो लोन पेयर है मतलब दो फोकट के इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लोन पेयर्स पेयर्स इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जहां लोन पेयर ने खाली सड़क देखी वहीं गोबर की तरह गिर गए और यहां फिर वही विषमृत का गेम चल रहा है कि ये इधर आएंगे तो डबल बॉन्ड आगे भगेगा ठीक है आगे वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले हेजोगन बना लो ठीक है सिर्फ इस पोर्शन में चेंजेस होंगे और कहीं नहीं होंगे ऑल राइट right. तो क्योंकि ये लोन पेयर जो येलो कलर के दो डॉटेड इलेक्ट्रॉन है वो गिर गए और पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए डबल बॉन्ड आ जाएगा ओ OH एच पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है एंड इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्र ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किस पे शिफ्ट हुए इस कार्बन पे शिफ्ट हुए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल गया है जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है आई रिपीट वंस मोर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है एक इलेक्ट्रॉन है कि दो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन दो है पर एक्स्ट्रा एक है मैं टिफिन में मैगी लाई थी और श्रुति टिफिन में पास्ता लाई थी मैंने अपना टिफिन छुपा लिया और श्रुति का टिफिन छीन लिया तो मुझ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एक डिश तो मेरी ही है जो मेरे पास पड़ी है एक मैंने श्रुति की भी छीन ली है तो मेरे पे वन नेगेटिव चार्ज आएगा तो वन नेगेटिव चार्ज मीन्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन इज माइन और एक मैंने दूसरे का हथियार रखा है ठीक है तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुए हैं इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसका ही है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूसरी इस कार्बन का है जो इस पे शिफ्ट हो गया जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया बाकी का मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं ठीक है वेरी गुड लकी वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं अब नेगेटिव इधर गिरेगा वही अपना चुहा बिल्ली का खेल चल रहा है टॉम एंड जेरी का टॉम पीछा कर रहा है जेरी भागे जा रहा है देखो अब सिर्फ इस पोर्शन में चेंजेस करना नेगेटिव को यहां गिरा देना ठीक है और जैसे ही नेगेटिव इधर गिरेगा तो बॉन्ड बन के गिरेगा ठीक है और इधर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पे ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया अब इधर यहां पे बॉन्ड आ गया और यहां ये आपका ओ आ गया ठीक है और ये पॉजिटिव चार्ज बाकी का तो देखो मैं एज इट इज टीपती हूं ये पोर्शन मैंने एज इट इज इधर मैंने गेम खेला ठीक है तो ये मेरा गेम अब ये नेगेटिव फिर इस पर गिरेगा तो ये फिर आगे भागेगा ठीक है कैसा देखो टॉम एंड जेरी का गेम चल रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं बनाया बनाया ये नेगेटिव मतलब दो इलेक्ट्रॉन जब इधर गिरेंगे तो यहां एक बॉन्ड बन जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ध्यान रखना पॉइंट पे बना रही हूं मैं नेगेटिव चार्ज क्योंकि कार्बन पे आ रहा है बाकी एज इट इज टीप देंगे ये एज इट इज इट yes, इज इसमें कोई चेंजेस नहीं है नेक्स्ट क्या होगा फिर ये नेगेटिव इस पे गिरेगा और ये फिर आगे भागेगा तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा फिर एक हेक्सागन बन रहा है नेगेटिव right. इधर गिर रहा है तो बॉन्ड बन रहा है और ये उधर भाग रहा है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस गेन कर रहा है दो लोन पेयर होते हैं देखो एक लोन पेयर तो इस पर हमेशा से ही है ठीक है और अब इस पर दो लोन पेयर हो गए और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया ठीक है एंड ये आ गया फिनॉल वापस बन गया तो ये किसके स्ट्रक्चर्स हैं के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं सबको समझ में आ रहे हैं होमवर्क था वेरी गुड वेरी गुड लगे यार यार पानी नहीं पिया आज और लग रहा है कि गला दुखने में आ रहा है चलो बढ़े आगे ओके अब मैं तुम्हें फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवा रही हूँ बनाओ जरा फिनॉक्साइड मतलब ओ माइनस एच नहीं है ओ माइनस चलो बनाओ फटाफट फिनॉक्साइड के थर्टी सेकेंड्स जल्दी जल्दी खींच दो और तरीका यह है कि पहले ही एक्सिक्स बना दो ताकि बार बार ड्रॉइंग न करनी पड़े मैं भी टाइम सेव करने के लिए पहले ही बना देती ताकि बार बार ना करनी पड़े पांच तो बनते ही हैं इनके जल्दी जल्दी अब मैं तुम्हें जेई नीट का कॉन्सेप्ट बताऊंगी और तुम्हें बहुत सारे बच्चों से तुम अपर एज पे आ जाओगे ये सब चीज समझते ही ट्वेल्थ क्लास के बच्चों से ना डिबेट कर सकते हो तुम अगर ढंग से सुन रहे हो कॉन्सेप्ट को तो Uh, वेदिका ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर थे जिसमें से एक ही लोन पेयर गिरा है और पूरा चक्कर काट के वापस लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे लौट आया है ठीक है पूरे धक्के खाता हुआ वापस ऑक्सीजन पे लौट आया है एक लोन पेयर तो इसके पास हमेशा से था तो वो रहा देखो इधर भी है इधर भी है इधर भी है थोड़े छोटे डॉट्स बनाए मैंने और इधर भी है एक ही लोन पेयर पूरे बेंजीन के धक्के खाता है ठीक है और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है वो सुनो यहां पे मैं तुम्हारे लिए लोन पे बना देती हूं वेदिका एक दो और अब देखो क्या हुआ हाइड्रोजन गया लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ गया तो इसके ऊपर तीन लोन है। इसी वजह से इस नेगेटिव चार्ज ठीक है डन अरे क्या बात है चलो तो फिर मैं आगे प्रोसीड करती हूँ तुम्हें पता है नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा इधर गिरेगा जैसे ही गिरेगा ये देखो टॉम एंड जेरी का खेल स्टार्ट हो गया इधर बन गया डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन दो लोन पे रह गए इस पर

तो ये इधर शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन पे तो इधर डबल बॉन्ड बना दो यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दो बाकी का मॉलिक्यूल एज इट इज कॉपी होगा ठीक है अब नेगेटिव इधर गिरेगा तो ये वापस इस पे जाएगा तो अब की बार ऑक्सीजन के ऊपर वापस तीन लोन पेयर हो गए हैं सुनाक्षी एंड वेदिका समझ में आ गई बात देखो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप डबल हेडेड एरो से सेपरेट कर लो समझ में आ गया यहाँ तीन लोन पेयर से शुरुआत हुई थी एक धक्के खाने निकला हुआ है दो उसके पास हमेशा रहे हैं और लास्ट में वापस तीन हो गए इधर दो लोन थे एक धक्के खाने निकला हुआ है तो सब में एक एक ही रह गया और लास्ट में वापस दो हो गए क्लियर हो गया बेटा वेरी गुड दिबाकर नायर वेरी गुड तो चलो मुझे बताओ कि ये फिनॉक फिनॉल के हैं अब मेरे स्मार्ट बच्चे मुझे ये बताएंगे कि ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये फिनोक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तुम अपनी समझ लगाओ कि मतलब किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल हैं मैम बाई इज मोर एसिडिक एसिडिकीनॉल कुछ भी बढ़ते हो कुछ भी बोलते हो और कुछ भी लिखते हो रे कहां से कुछ सुन के आए पूरी बात का मतलब बदल दिया हाँ, फिफ्थ में वेरी गुड बेटा सही पकड़े नेगेटिव चार्ज रिगेन हो जाएगा ये किसने पकड़ा है वेरी गुड प्रणता जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे अर्पण बोल रहा है बट अर्पण सब दोनों के पांच पांच है एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच अब बोलो वाइफ फिनोक्साइड रीजन आई वॉन्ट रीजन आई वॉन्ट रीजन वाई फिनोक्साइड वेरी गुड लक्की जो बच्चा YouTube के लाइव सेशन में सबसे ज्यादा आंसर चैटबॉक्स में देगा उसको एक दिन मैं लाइव लेके आऊंगी YouTube पे अपने साथ एक सेशन करेंगे जिसमें मैं बात करूंगी जिसमें लकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और भी बहुत सारे बच्चे हैं बट लक्की तो है अभी अभी बताया था कि फिनॉल जो होता है इसके अंदर आप देख सकते हैं चार्ज सेपरेट हो रहा हीर और रांझा को अलग अलग अटका के बैठे हुए हो ये खुश नहीं है यार इसलिए स्टेबल नहीं है यहां कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है उसके अलावा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ईगो तोड़ दिया अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ा रखा है दैट विल आल्सो मेक देम अनस्टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है है उस पॉजिटिव चार्ज इज इज रिलेटिवली अनस्टेबल तो दिस द रीजन वाईड इज मोर स्टेबल देन स्टेल अब एक बच्चे ने डाउट पूछा था जो पता नहीं लैंग्वेज बदल के क्या क्या का क्या कर दिया था ये होता है फिनॉल ठीक है ये होता है फिनॉल अभी हम नीट लेवल में घुस रहे हैं ठीक है और ये फिनॉक्साइड तब बनता है जब फिनॉल ओ आई मीन एच प्लस दे देता है देखो जरा दे, गौर करके देखो ये तुम्हारी एनसीआरटी में नहीं है ये हायर लेवल है

चार्ज सेपरेशन की वजह से ये खुश नहीं है इसलिए इसने इस विलन को बाहर निकाल के फेंका ताकि मुझे चार्ज सेपरेशन का पंगा नहीं चाहिए तो इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है फिनोक्साइड में अभी अभी देखा हमने तो दैट अनस्टेबल स्पीशीज विल बिकम स्टेबल आफ्टर लूजिंग दिस विलन सो इट बिहेव्स एसिडिक दिस इज द कांसेप्ट जो तुम पता नहीं लैंग्वेज बदल के क्या बोल रहे थे फिनोक्साइड आयन इज मोर एसिडिक देन फिनो

मैं क्योंकि फुल स्पीड खींचूंगी स्टेप टू दूसरे एग्जाम्पल में समझना प्रज्ञा सक्सेना बेटा और दूसरी बात है पीछे कर लो ना पॉज करके देखो थोड़ी स्पीड कम करके देखो हो गया चलो मैं बताती हूं ये हमारे पहले मैं बना रही हूं पांच ही बनते हैं इन बेटा क्या नाम है पीयूष गोयल ये जितने भी रिंग कंपाउंड्स होते हैं इनके पांच ही बनते हैं बना लिया अब पॉजिटिव चार्ज क्या करता है खींचता है बताया था ना पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कांड करेगा वो ये है कि ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो हल्की फुल्की है लूज है इसको इधर शिफ्ट मार लेगा तो इधर क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा अब ये तो सेटल हो गया भैया कह रहे, मेरी तो टेंशन खत्म हुई मेरे पास इलेक्ट्रॉन था नहीं मैंने ये छिना लिए दो ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके बीच में शेयर हुए तो कार्बन ने कहा चलो अपनी टेंशन तो खत्म अपन तो चार बॉन्ड बना लिए न्यूट्रल हो गए लेकिन जिसका जिसने सेक्रीफाइस किया ना वो ये वाला कार्बन था ये वाला क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया ना तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव बाकी दो मॉलिक्यूल एज इट इज अब ये कार्बन भी तो सेटल नहीं रहेगा ये कहेगा इसने मेरे मेरे साथ साथ कांड किया तो मैं तेरे साथ करूंगा ये इसको खींचेगा ठीक है जैसे इसको खींचेगा इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो जाएगा ठीक है सी एस टू एजिट इज है बाकी का मॉलिक्यूल एज इट इज है ये पॉजिटिव कहेगा अब इसने मेरे साथ गड़बड़ कर दी मैं तेरे साथ गड़बड़ करूंगा ठीक है तो ये इधर ये इधर सी एच टू इधर और यहां पॉजिटिव चार्ज अब यहां पॉजिटिव आ गया ये कहेगा कि मैं अगले वाले के साथ करूंगा तो ये इधर आ गया और यहां पर उसी यह परिस्थिति में पहुंच गया जहां पर था दूसरे का बुरा करोगे तो एक दिन भगवान तुम्हारा भी बुरा वापस करेगा ठीक है क्लियर सिंपल पूजा यादव एम वी राम की परी हाँ तो अब ये हमारे हो गए सी एच टू प्लस के सी एच टू माइनस करो सिद्धांत सक्सेना बहुत दिनों बाद आया अरे विटू हानी हानी आपका नाम क्या है बेटा आप हमेशा पानी के लिए याद दिलाते हो आई एम सो थैंकफुल टू यू मैं कई बार क्या होते है कि पढ़ाने में इतना खो जाती हूँ कि पानी अवॉइड कर जाती हूँ और इसके लिए मेरे को मेरा गले का मेडिकेशन भी चलता है तो यू इतना अच्छा रोल प्ले करने के लिए थैंक यू एंड प्लीज टेल मी योर नेम डन नेहा ओके ओके प्यारी नेहा थैंक यू नेहा मैम का ध्यान रखने के लिए पता है तुम्हें मेरे गले में छोटे छोटे नॉड्यूल्स हो गए हैं बहुत ज्यादा पढ़ाने की वजह से तो मेरे को डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको गला ड्राई नहीं रखना आप पढ़ाओ बट आपको ड्राई नहीं रखना इट शुड ऑलवेज बी वेट तो कोई भी टीचर इतना पानी नहीं पीता हो क्लास में जितना मैं पीती हूँ मुझे प्यास व्यास थोड़ी लगती है इतनी कोई दो दो मिनट में किसको प्यास लगती है बट गला गीला रखने के लिए क्योंकि गला ड्राई होता ही उन नॉड्यूल्स में दर्द होने लगता है तो थैंक यू नेहा फॉर टेकिंग सो मच ऑफ केयर अब देखो अब मैं बना रही हूं। एक, दो तीन, चार और पांचवा इधर बना देते हैं उधर तो बहुत ही किनारे में चला गया ठीक है नेगेटिव चार्ज क्या होगा इधर गिरेगा अब फिर टॉम एंड जेरी का खेल और ये इधर इस पर ठीक है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज इधर आएगा डबल बॉन्ड ये हो जाएगा न्यूट्रल बाकी का मॉलिक्यूल टीप लो नेगेटिव इधर गिरेगा ये इधर जाएगा ठीक है तो इधर आएगा नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा डबल बॉन्ड बाकी का मॉलिक्यूल टीप लो फिर ये नेगेटिव इधर गिरेगा पूरा चक्कर काट के आएगा ये इधर तो इधर डबल बॉन्ड यहां नेगेटिव चार्ज बाकी का मॉलिक्यूल टीप लो फिर नेगेटिव इधर ये इधर तो देखो इधर ये और ये और ये बाकी का मॉलिक्यूल टीप लो और सी एच टू माइनस ठीक है जिसने दूसरे का भला किया जिसने डोनर का डोनर नेचर शो किया लौट करके फिर भगवान ने उसका भला कर दिया फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया जिसने बुरा किया जिसने मतलब कि चलते चार्ज अपनी तरफ खींचा ला, लास्ट में फिर वो कंगाल हो गया ठीक है सिंपल सी कहानी है बस हो गया रेजोनेंस मेरे ख्याल से अच्छा से समझ में आ गया आपको रेजोनेंस क्लियरली अच्छे समझ में आ गया तो बेटा नोट्स बनाना है ना नोट्स बनाना और ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ना तुम बना बना के प्रैक्टिस अपनी कॉपी में करना और तुमको कोई भी नहीं केमिस्ट्री से डरा सकता है कोई भी नहीं डरा सकता यही कुछ टॉपिक्स हैं जिसके नाम पे बच्चे बहुत घबराए रहते हैं कि केमिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट है अच्छा नहीं है ये वो लेकिन तुमको नहीं कोई डरा सकता है क्योंकि तुम्हें वो चीजें आती हैं जो चीजें एक्चुअली केमिस्ट्री में अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड सी मानी जाती है, है ना तो अब दो तरीके का रेजोनेंस इफेक्ट होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तुम्हें याद है मैंने पॉजिटिव इंडक्टिव और नेगेटिव इंडक्टिव कैसे पढ़ाया था डू यू रिमेंबर दैट कि मैंने पॉजिटिव इंडक्टिव एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कैसे पढ़ाया था मैंने तुम्हें बोला था कि अगर कोई जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन खींचे तो वो नेगेटिव आई इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट होता है विड्रॉइंग वाला और उसको लर्न कैसे कराया था कि बैंक में से आप पैसा निकाल लो तो बैंक बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा और अगर आप पैसा डाल दो तो बैंक बैलेंस पॉजिटिव में चलेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं तुम सेम फंडे से याद करना बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाला बेंजीन का बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है तो वो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है लेकिन बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेने वाला बेंजीन का बैलेंस बेंजीन का क्या बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन वाइज उसका बैलेंस बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना देखो ऊपर सी एस टू प्लस लगा दिया हमने तो पूरा बेंजीन का इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया बेंजीन में से तो इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश की वो अलग बात है कि बाद में फिर कंगाल हो गया लेकिन एक बार कोशिश की तो विड्रॉ करेगा तो बेंजीन का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो माइनस एम इफेक्ट तो कितना सिंपल है इसको याद करना आप देखो बैलेंस मतलब मतलब कम हो रहा है तो पॉजिटिव अरे पॉजिटिव नहीं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर मैंने उल्टा पढ़ लिया पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम द एटम रिंग में दिए जा रहे हैं और नेगेटिव का मतलब होता है कि आप रिंग का बैंक बैलेंस घटा रहे हो ठीक है रेजोनेंस में याद रखिएगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एटम्स ट्रांसफर का कोई एक्सचेंज नहीं होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही घूमते रहते हैं एटॉमिक अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं होता एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम नहीं होती थोड़ी बहुत सेम होती है और ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है ये एक पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है शिफ्टिंग इफेक्ट होता है डिसलोकेशन इफेक्ट होता है एंड ये इंट्रा मोलिक्यूलर होता है मोलिक्यूल के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन चलते फिरते रहते हैं और हाइपोथेटिकल होता है ऑन पेपर किसी ने देखा नहीं है बस किसी ने सोचा है कि ऐसा होता होगा बस इतना सा है ठीक है चलो फटाफट -फड़ एक टेस्ट है स्टेबिलिटी ऑर्डर नीट के क्वेश्चन नीट के कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ अगर तुमने ये कर दिए ना तो इलेवेंथ क्लास के कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे हाथ में यूं है फिर ठीक है एक लेवल हाई पढ़ा रही हूं ताकि एटलीस्ट हम इलेवंथ का लेवल अचीव कर सकें तो ये कुछ टेस्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर प्रेडिक्ट करो रेजोनेंस स्टेबिलिटी देती है फिनॉल वाला रेजोनेंस हाइब्रिड शुभाजीत बस ना तुम बेंजीन रिंग में गोला बना दो और कुछ भी नहीं है उसमें नीट का सवाल नंबर वन हैं कितने बच्चे हिट कर पाते हैं विदिशा कह रही है सबसे ज्यादा वन टू थ्री और अंसारी कह रही है थ्री टू वन चलो देखते हैं नीट का आया हुआ सवाल है ये पीवाई क्यूज में से मैं टेस्ट बना के लाई एंड इधर देखिए रेजोनेंस तो है इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव इसका मतलब यस yes, इसमें रेजोनेंस है इसमें रेजोनेंस है क्या नहीं है इसमें डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस है क्या नहीं है तो जिनमें रेजोनेंस नहीं होता ऑटोमेटिकली उनसे ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं जिनमें रेजोनेंस होता है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ए मतलब पहला वाला फिर इन दोनों में कौन इनमें तो रेजोनेंस नहीं है तो इनमें कैसे डिसाइड करें ये sp2 टू कार्बन एटम है sp2 टू कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है ठीक है अब आप एक अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचोगे तो वो स्टेबल नहीं होगा एक अगर गरीब की थाली में से रोटी उठाएंगे तो गरीब रो देगा तो पॉजिटिव चार्ज गरीबी को झलकाता है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक गरीब को मजबूर कर रहा है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो सबसे कम स्टेबल है तो आंसर है ए बी एंड सी अगर में रेजोनेंस नहीं है किसी एक में रेज रूल सुनना ये नीट के कुछ क्वेश्चन है इनके रूल सुन लो ये कैसे हिट होते हैं और मैं तो भी बोल के दिखा रही हूं तो तुम नोट डाउन कर लेना ठीक है पॉज कर करके नंबर वन अगर आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर आते हैं वेरी कॉमन ऑफ नीट एग्जामिनेशन तो अगर किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है बाकियों में नहीं वो ऑटोमेटिकली ज्यादा स्टेबल हो जाता है 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 अगर सब में है, तो सब में में रेजोनेंस रेजोनेंस तो कैसे कंपेयर करोगे मैम अब इनमें कैसे कंपेयर करें सब में रेजोनेंस है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज वन बेसिस कि जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें कम बनेंगे वो कम स्टेबल होगा ठीक है और बनाने लगोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे तुम्हें पता लग जाएगा कितने बन रहे हैं रूल नंबर थ्री अगर दोनों में रेजोनेंस है तो यह भी एक बेसिस हो सकता है कि एक में चार्ज सेपरेशन है एक में नहीं है उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर कोई तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स है या चार ऐसे स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर जिनमें रेजोनेंस भी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बराबर बन रहे हैं मतलब रेजोनेंस उनमें कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहा है फिर आप सेकंड ऑप्शन इंडक्टिव के थ्रू स्टेबिलिटी चेक करेंगे अगर रेजोनेंस बराबर है आपके गिवन एग्जांपल्स में तो आप कहेंगे मैम रेजोनेंस तो बराबर है अब क्या करें तो आप फिर इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे पहले रेजोनेंस ढूंढेंगे फिर इंडक्टिव से आंसर करेंगे चलो अगला वाला कमाल अशरफ बेटा मैं जेई को ही पढ़ाती थी बेटे जेई और नीट के मेरे बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं बेटू रिंकू सिंह बेटा मैं अपना आत्मा अपना दिल अपनी ताकत अपनी श्रद्धा अपना बच्चों के प्रति डेडिकेशन हर चीज़ तुम्हारे लेक्चर्स में डालती हूँ अपना प्रेम अपना जो मतलब मेहनत डेडिकेशन एवरीथिंग आई यूज टू पुट इन टू लेक्चर्स एंटायर हार्डवर्क स्टिल इफ़ यू एम नॉट गेटिंग आई कांट हेल्प यू बेटा आई कांट हेल्प यू

दिस इज टू डिग्री कार्बोकैटाइन दिस इज वन डिग्री कार्बोकेटाइन ऑन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट वी हेवडीड्री डिग्री कार्बोकेटेन इज मोर स्टेबल एंड देन वन डिग्री ठीक है तो आंसर है अपना ए बी सी स्टेबिलिटी ऑर्डर है ए बी एंड सी चलो आगे बढ़ते हैं इसमें देखो जल्दी जल्दी नीट कह देखिए कि कितने बच्चे से इस्तेमाल कर पा रहे एक क्वेश्चन मैं भी एक और मेरे अपनी तरफ से और क्रिएट कर दू इसमें एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा है ये वाला भी करना बस ये लास्ट है इसके बाद मैं खत्म कर रही हूं हम इन तीनों में करना फिर इसमें करना ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बीसी चलो देखते हैं डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव सब में रेजोनेंस है तो सब में रेजोनेंस और बराबर रेजोनेंस रेजोनेंस है तो resonance है, इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए बेसिस नहीं बनेगा फिर इंडक्टिव बनेगा दिस इज वन डिग्री दिस इज टू डिग्री दिस इज थ्री डिग्री ठीक है ये वन डिग्री है क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस वो एक ही बॉन्ड से एक ही कार्बन से जुड़ा है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके दो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसके तीन दिखाई दे रहे हैं तो थ्री डिग्री सबसे स्टेबल होता है तो सी बी एंड ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है क्योंकि रेजोनेंस तीनों में बराबर है तो डिग्री वाइज प्रिडिक्ट हो जाता है अगला करो फोर्थ वाला थैंक यू अनुराग त्रिपाठी मैम आई एम जस्ट वॉचिंग ईयर्स वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक विच वॉज रियली हेल्पफुल अच्छा फोर्टी एट रैंक आ गई कॉम्बैक्ट में टू गुड अंकित नेक्स्ट करो फिर लास्ट है वॉट इज थ्री डिग्री टू डिग्री बेटा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है अगर वो एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो वन डिग्री होता है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो वो दो कार्बन से जुड़ा हो तो टू डिग्री होता है और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो वो तीन कार्बन से जुड़ा हो तो थ्री डिग्री होता है ठीक है बस और इंडक्टिव uh, इफेक्ट के थ्रू हम डिग्रीज डिग्री मतलब डिग्रीज के बेसिस पे भी स्टेबिलिटी करते हैं टू अब यहां पे रेजोनेंस तो सब में है डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव लेकिन सबसे ज्यादा रेज़ोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें बन रहे हैं इसमें पांच बनेंगे इसमें तीन बनेंगे और इसमें दो बनेंगे तो आंसर है सी बी ए मैंने कहा था अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नंबर में फर्क हो तो आप उस बेसिस पे भी स्टेबिलिटी बता सकते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करती हूँ ठीक है एंड uh, बस इनअप्रोप्रिएट कोई आपको कंटेंट दे रहा है तो आप डेफिनेटली रिपोर्ट कर सकते हैं एंड ये मेरा टाइम टेबल है जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ वो प्लीज नोट कर लें कि क्लास इलेवेंथ तो होती है चार से पांच ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे कल है दशहरा तो आप सबको मेरी तरफ से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं रावण को जलाया गया था अपने अंदर की भी सारी बुराइयां खत्म करनी है और अपने गोल को अचीव करना है ठीक है आलतू फालतू की सारी बातें छोड़नी है और पढ़ाई में ध्यान देना है ठीक है क्लास ट्वेल्थ नौ से दस लगती है मंडे वेंसडे फ्राइडे कल दशे, कल दशहरा के दिन आपसे मैं शायद ना मिल पाऊं इसलिए मैंने आपको पहले से ही विश कर दिया है नेक्स्ट चलते हैं आगे कॉम्बैट देना है आपको एमबी लाइफ लाइव कोड यूज करते हुए ठीक है एमबी आर्मी जाएगी पूरी फोड़ने कॉम्बैट एग्जाम को मास्टर ब्लास्टर कोड यूज करके एमबी लाइव ठीक है एंड अगर कॉम्बैट में स्कॉलरशिप आती है तो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन वो वैसे भी नॉमिनल है जो लोग ले सकते हैं वो जरूर लें सोचे नहीं और जो नहीं ले सकते अगर उनको स्कॉलरशिप से मदद मिलती है क्योंकि जैसे सपोज अब आप डेढ़ साल का लेते हो तो डेढ़ साल का एटीन थाउजेंड का है कॉम्बैट जीत है, 50 गए फिफ्टी परसेंट स्कॉलरशिप मिल गई सोचो डेढ़ साल का सब्सक्रिप्शन नौ हज़ार में सोच के देखना नौ हज़ार में आपको दिन रात एक करने वाले मेंटर्स पढ़ाएंगे और आपसे भी दिन रात एक करवाएंगे और इतना नॉमिनल चार्जेस में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा ऑफलाइन में तो क्या होता है कि बस छोड़ो चलो तो ये हो गया हमारा एम बी लाइव को करके आपको कॉम्बैक्ट देना है एंड आज का डाउट फीचर आप पूछ सकते हैं सब्सक्रिप्शन में मैं आपको बता देती हूँ सारे फीचर्स वही हैं जो आपके कहीं पे भी कोई पढ़ाएगा लेकिन और उससे एक दो ऐसे फीचर्स हैं जो और ज्यादा हैं मतलब जब आप किसी सब्जेक्ट की ट्वेंटी पर पर सब्जेक्ट आप टीचर से ऑफलाइन टीचर पे दे करके पच्चास पच्चास बच्चों के बैच में आपको आपको क्या मिलता है टीचर आपको है टीचर स्टडी मटेरियल देता आप रेगुलरली आते हैं क्लास में बैठते हैं क्लास अटेंड करते हैं ठीक है नोट्स मिल जाते हैं आपको आपके टेस्ट रेगुलरली होते हैं चेक भी हो जाते हैं आंसर शीट्स भी मिल जाती हैं क्या नहीं मिलता है वो सुनिएगा क्या नहीं मिलता है ऑफलाइन के अंदर अगर आपने लेट ज्वाइन किया और आपके कुछ सेशंस छूट गए चैप्टर्स छूट गए तो जो दोबारा से रिवीजन क्लासेस के लिए पीछे पढ़ना पड़ता है कि रिवीजन ले लो हमने ये नहीं पढ़ा क्योंकि वट एवर दे एयर पढ़ा चुके ना वो वो तो गया अब कहां से पकड़ेंगे उनकी आवाज को वापस वो दोबारा नहीं पढ़ाएंगे तब तक तुम्हारा होगा नहीं यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड तो अगर आपको पढ़ना है वो चीज जो आपकी छूट गई उसके लिए किसी टीचर के पीछे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको रिकॉर्डेड और बेहतरीन क्वालिटी के सेशंस आपको मिल जाएंगे तो यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्या चीज नहीं मिलती है ऑफलाइन में हम जाते हैं चीजें समझते हैं बच्चों जितने डाउट आपको ऑनलाइन में आ रहे हैं उतने ही डाउट ऑफलाइन वाले बच्चों को भी आते हैं प्रॉब्लम है डाउट सॉल्व नहीं होते टाइम पे क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी डिसिप्लिन से और डेडिकेशन से डाउट क्लासेस हो रही हूँ ऑफलाइन में बस काफी बच्चे तो हेजिटेट करते हैं कि यार बेस्ती हो जाएगी टीचर डांट देगा इतना भी नहीं आता तुझे समझ में नहीं आता क्लास के अंदर क्या या फिर सर नहीं डांटेंगे या मैम नहीं डाटेगी तो बेस्ती अपनी फ्रेंड के सामने हो जाएगी बगल वाली मेरे बारे में क्या सोचेगी मैंने ये डाउट पूछा और सर ने बेजती कर दी तो मेरी बेजती पूरी क्लास में हो जाएगी तो बच्चे अवल तो हेजिटेट करके डाउट पूछते नहीं है तो उनके डाउट्स डाउट सीधे जाते हैं और अगर बाय चांस पूछ भी लें तो टीचर्स को टाइम नहीं मिलता क्योंकि बैचेस दो से तीन तीन से तीन चार चार से पांच छे छः सात तो क्या नहीं मिलता है वो ये है आपको पढ़ाया गया जो सामान है वो नहीं मिलेगा उसके लिए आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा पुश करना पड़ेगा फीस पूरी देनी होगी लेकिन जो चैप्टर्स छूट गए हैं उसके लिए बार बार रिमाइंडर्स देने होंगे ठीक है और क्या नहीं मिलेगा डाउट क्लासेस नहीं मिलेंगे यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको सारा जो यहाँ पे हो चुकी है चीजें वो रिकॉर्डेड भी मिलेंगे और कोई ना कोई दूसरे बैच में लाइव भी ले रहा होगा तो वो फीचर आपको प्रॉपरली मिलेंगे डाउट क्लियरिंग आपकी हर तीन से चार क्लासेस के बाद एवरी टीचर ऑर्गेनाइज अ डाउट सेशन जिसमें बच्चे डाउट्स लाते हैं और सपोज आप नहीं पूछ पा रहे हैं डाउट तो कोई दूसरा भी पूछा तो भी आपका डाउट डिस्कशन डाउट सोल्व हो ही रहा है क्योंकि इतनी बड़ी क्लास होती है एक घंटा पूरा जो टीचर्स है वो डाउट्स लेते हैं तो वैसे ही आपके कितने सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे उसके थ्रू भी ठीक है एंड पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया जाता है प्रॉपर टेस्ट लिए जाते हैं स्टडी मटेरियल टीचर्स खुद बनाते हैं आप लोगों के लिए तो यू आर यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन फैक्ट मैं तो कहूंगी कि आपको ज्यादा मिल रहा है ठीक है और ये कुछ बैचेस है जो आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि जैसे टर्म टू साइंस के लिए बैच लॉन्च होने वाला है एटीन अक्टूबर को जिसमें ये ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं और हम तो पढ़ा ही रहे हैं हमारा चल ही रहा है अब आप ये भी नहीं कि हमको एनरोल कर लिया तो इनको नहीं कर सकते आप मल्टीपल बैचेस एनरोल कर सकते हो ठीक है एंड uh, मेरा फोर्थ अक्टूबर से शुरू हुआ है जिसमें मैं मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लेती हूँ यू कैन यूज मास्टर ब्लास्टर कोड एम बी लाइफ टू टेक द सब्सक्रिप्शन जे नीट पे टॉप नॉच मेंटर्स पढ़ा रहे हैं देश के टॉप नॉच मेंटर्स जिन्होंने टॉप हंड्रेड में रैंक प्रोड्यूस करी है हजारों बच्चों को डॉक्टर्स बनाया हजार, हजारों बच्चों को इंजीनियर बनाया उनकी मेंटरशिप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको मिल रही है फोर्टी टू थाउजेंड बाई यूजिंग कोड एम बी लाइफ और खास बात है कि अभी दशहरा ऑफर चल रहा है जिसमें फोर मंथ्स आपको फ्री मिल रहे हैं तो बेसिकली आपको 22 महीने का एक्सेस मिल रहा है सिर्फ 42 में 22 का डबल करोगे तो 44 आता है मतलब 2000 से भी कम में आपको उन टीचर्स से पढ़ने का मौका मिल रहा है जिन टीचर्स से पढ़ने के लिए हजारों में नहीं लाखों में फीस लगती है तो अन ने अपने साथ एसोसिएट किया उन टीचर्स को

का सब्सक्रिप्शन आपका एटीन थाउजेंड का हो रहा है बाईस महीने अठारह हजार मतलब आपका आठ नौ सौ रुपए का सब्सक्रिप्शन पड़ा अब आप सोच लो कि आपके पांच सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं एट टू नाइन हंड्रेड रुपीज पर मंथ में जिसमें इजी एम ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं यही चीज आइकॉनिक में आप लोगों थर्टी फाइव थाउजेंड का है जो थर्टी वन फाइव हंड्रेड का पड़ेगा और इसमें आपको एक्स्ट्रा uh, टेंशन मिलती है आपको डाउट्स में और पर्सनल कोच मिलता है यू कैन यूज दिस कोड टू टेक द सब्सक्रिप्शन एंड डीज आर द ऑफर्स विच आर गोइंग ऑन यू कैन ऑल्सो डिस्कस दिस ऑफर्स विद अदर्स जिनको जरूरत है एन की लर्निंग आप डाउनलोड कर, कर लो इंस्टॉल कर लो प्लस पे चले जाओ गोल सेलेक्ट कर लो गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ कोड लगाओ और वेलकम टू प्लस प्लेटफॉर्म बेटा तो अब मैं जाती हूँ बाय बाय बच्चे पार्टी हैप्पी दशहरा अपने अंदर से सारे खराब दशहरे का मीनिंग क्या है कि अपने अंदर से जो भी हमारे अंदर कुछ भी खराब हर इंसान के में कुछ ना कुछ खराब होता है उसको मारना है ईवल को मारना है ठीक है बी पॉजिटिव रेडी टू हेल्प अदर्स जब जब किसी को मदद की जरूरत पड़े मदद करनी ही चाहिए मैंने में रेजाया ना आप मदद करेंगे वो घूमकर आपकी तरफ आएगा आप बुरा करेंगे वो भी घूमकर आपकी तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो दूसरे का छिनाता है तो वो भी घूमकर फिर फाइनली उसकी भी लुटिया डूबी जाती है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मदद करता है तो घूमकर फिर भगवान उसको दे देता है तो जब केमिस्ट्री में ही ऐसी चीजें होती है तो लाइफ में भी होती है तो अपने अंदर का ईवल करो खत्म रेडी टू हेल्प अदर्स जब भी किसी को आपकी मदद की जरूरत हो ऑलवेज बी रेडी छोटा सा जीवन है जितना अच्छे से हम जिएंगे बहुत सही रहेगा चलो बाय बाय हैप्पी दशहरा। बाय बच्चों, बाय बाय वेदिका बाय बाय लव यू ऑल लेट्स इट।